नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनिरुद्ध पटेल जेंटेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा, सेना की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी, टेंशन छोड़ दीजिए। बात करते हैं वनडे एग्जाम के लिए इंग्लिश कैसे तैयार करें। बेटा, हम लोग यूपी के, दूसरी चीज हमारा बोर्ड कैसा भी हो, बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम में उनके बच्चों के अंदर इंग्लिश पढ़ने की कैपेसिटी यूपी बोर्ड के बच्चों से थोड़ी बेहतर होती है। ग्रामर पोर्शन बेहतर नहीं होता ज़्यादातर बच्चों का। तो मुद्दे पर मैं आता हूँ, कैसे हम लोग इंग्लिश की तैयारी करें। तो बेटा, इंग्लिश के तीन सबसे अहम पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन जिसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग पोर्शन, जिसमें पैसेज, पैराजंबल, क्लोज पैसेज वगैरह आते हैं। तो जब ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चा असहाय महसूस करता है। 90% बच्चा इस तरह के क्वेश्चन अवॉइड करता है, उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आते। टीचर भी इस पोर्शन को मोस्टली अवॉइड ही करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये टीचरों का पोर्शन नहीं बच्चों का होता है। अंडरस्टैंडिंग आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। आप जरा सोचिए कि अगर कोई चीज़ आपको हिंदी में दे दी जाए तो वो आसानी से समझ में आ जाती है, इंग्लिश में पैसा समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टेढ़ी खीर होती है। तो इसीलिए ज़्यादा बहकावे में ना है कि 90 दिन में इंग्लिश सीखें और एक 6 महीने में इंग्लिश सीखें। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ये बहुत ही वास्ट होता है, बहुत थोड़ा नहीं है, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 9th, 10th, 11th, 12th जिस बोर्ड से हो आपके पास प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह की किताबें रखी होंगी, बुक्स रखी होंगी, उनको आप डेली अपने आप से एक वादा कर लीजिए कि आपको डेली एक चैप्टर खत्म करना है। अलाउड, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, वैसे आपको ऐसे बोलना है कि आपको आपकी आवाज़ सुनाई दे। तो इसमें क्या है, आपका स्पोकन इंप्रूव होगा। जीडी में अगर कभी आप जाते हो तो यू विल क्रैक दैट वन थिंग। और सेकेंडरी क्या है, इससे आपको पढ़ने की कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। आपको इंग्लिश जल्दी जल्दी पढ़ने की हैबिट हो जाएगी, जो कि वहाँ पर नहीं हो पाती। तो पहले से अभ्यास करो ना, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर। तो दूसरी चीज, आपको डेली पढ़ाई करनी है और उसमें जो वोकैब्स हैं, तो आप तमाम ऑफलाइन डिक्शनरीज हैं, मैरियम वेबस्टर ले लीजिए, यूनिवर्सल डिक्शनरी ले लीजिए, इनको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उस वर्ड का मीनिंग निकाल लीजिए, जो भी वर्ड आपको नहीं आता उसको एक डायरी में नोट कर लीजिए, मेंटेन कर लीजिए, कोशिश करिए उसको सेंटेंस के फॉर्मेट में लिखिए, आपको डबल बेनिफिट होगा। तो इसको आप जब धीरे 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 पढ़ते जाओगे तो पता है आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके पास ढेर सारी वर्ड वोकैब का संग्रह हो जाएगा। और दूसरी चीज, आपको वोकैब के अलावा आपको जो है इंग्लिश पढ़ने का जो हेजिटेशन है, जो डर है, आपको पता भी नहीं चलेगा, गायब हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं वोकैब सेक्शन की। वोकैब पढ़ने के तीन तरीके हैं, जिसमें नेमोनिक मेथड, जैसे मैंने कहा था बेलिकोस, हाँ जी क्या, बिल्ली ने पिया ग्लूकोज, हो गई बेलिकोस झगड़ालू, दूसरा रूट, तीसरा एसोसिएट टेक्निक। आज के लिए इतना ही।